हेलो एवरीवन, वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में CUET के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वीडियो में CUET के खासकर BHU में एडमिशन के लिए फॉर्म के बारे में बात करेंगे। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है BHU, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं BHU ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फिलहाल हम अभी BHU सर्च कर रहे हैं। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का क्या करने का, यहाँ पर मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आप खुद भी विजिट कर सकें। इस पर आपको टिक कर देना है BHU ऑनलाइन पे। जैसे जब उस पर टिक करेंगे यानी क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक न्यू आइकन ओपन होगा, अभी ओपन हो रहा है। और अब जब ये ओपन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का आइकन दिखेगा जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा छोटे छोटे वर्ड में दिख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे समझना होगा कि कौन कौन से स्टूडेंट क्वालिफाई है। नहीं, ये सब लास्ट का भी अपडेट है, कुछ रिसेंट का भी अपडेट है। अगर अभी के हिसाब से अगर इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिख रहा, स्कूल का भी अपडेट है। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि RCA का नाम चलता है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट का, पोस्ट ग्रेजुएट का और डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा का। अगर इनकी अगर हम बात करें तो जो डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेने जाते हैं, इनका जो है फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट था वो 31 जो कि डेट खत्म हो चुका है। अगर इस वाले नोटिफिकेशन पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी के हिसाब से CUET का फॉर्म जो है फाइनली आपके BHU की ओर से अभी लॉन्च नहीं किया गया है, 1 से 2 दिन में लॉन्च कर दिए जाएंगे। जैसे ही आएंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा कैसे इसका फॉर्म फिल करना, क्योंकि आपको ये भी पता है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी का सेपरेटली फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में ज़रूरी है कि उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म आना ज़रूरी है। उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म जैसे ही आएगा, मतलब BHU का जैसे ही फॉर्म आएगा, कैसे फिल करना है उस पर अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।